लाहौर से खबर शामिल करेंगे जहां पर कुछ रोज़ कबल मनशियात फरोशी के मना करने पर पात्री जाहिद अजीम के घर पर हमला किया गया था, जिसकी आज पंचायत की मौजूदगी में सुलह हो गई। सुलह सेवंथ डे के चर्च में अहले मोहल्ला के लोगों के कहने पर हुई, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग शामिल थे। सुलहनामा में लिखा गया है कि आइंदा दोबारा किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दोनों फराकीन को बाज रहने का पाबंद किया गया और फरीक दोम के वालिद असलम मसीह ने जिम्मेदारी कबूल की है कि अपने बच्चे के हर कॉल और फेल के जिम्मेदार होंगे। एक बार फिर आपको बताते चले कि लाहौर में कुछ रोज कबल मनशियात फरोशी के मना करने पर पादरी जाहिद अजीम के घर पर हमला किया गया था, जिसकी आज पंचायत की मौजूदगी में सुलह हो गई। सुलह सेवंथ डे के चर्च में अहले मोहल्ला के लोगों के कहने पर हुई, जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग शामिल थे। सुलहनामा में लिखा गया है कि आइंदा दोबारा किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए दोनों फराकीन को बाज रहने का पाबंद किया गया और फरीक दोम के वालिद असलम मसीह ने जिम्मेदारी कबूल की है कि अपने बच्चे के हर कॉल और फेल के जिम्मेदार होंगे।